और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भोपाल से यह खबर है जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। विश्वास सारंग ने बयान जारी किया है, प्रदेश में अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मातृभाषा में पढ़ाई होने परिणाम अच्छे निकलते हैं। MNC के पाठ्यक्रम के आधार पर अब MBBS की पढ़ाई करवाई जाएगी, बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अब पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बयान आपको बता रहे हैं, दरअसल भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर ये बताया गया है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बयान जारी किया। इस बयान में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी हो सकेगी। जो बच्चे अब MBBS की डिग्री लेना चाहते हैं उनके लिए ये खुशी की खबर है, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जो बयान जारी किया उस बयान में बताया गया है कि MBBS की डिग्री प्राप्त करने के लिए अब विद्यार्थियों को हिंदी और इंग्लिश भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। तो मातृभाषा में पढ़ाई होने पर परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। MNC के पाठ्यक्रम के आधार पर अब MBBS की पढ़ाई करवाई जाएगी, बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अब पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे हिंदी में पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहते हैं ऐसे में अब उनके लिए भी राहत भरी खबर है, क्योंकि MBBS की डिग्री अब वो हिंदी में भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में होने जा रही है। तो प्रदेश में अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी, मातृभाषा में पढ़ाई होने से परिणाम अच्छे निकलते हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से विश्वास सारंग ने बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि अब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में MBBS की पढ़ाई हो सकेगी, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी और? बिल्कुल, लगातार कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होगी, इसके पहले भी सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन हिंदी दिवस के दिन ये घोषणा की गई थी और अभी तक जो है यहाँ पे एक बार फिर से कह सकते हैं कि जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग, उन्होंने ये कहा है कि अब जो MBBS की पढ़ाई है वो MNC के पाठ्यक्रमों के आधार पर ही जो है हिंदी में पढ़ाई जाएगी, इसको लेकर तैयारी कर ली गई है, ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। पिछले सेशन में भी यही बात कही गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है इस पर फोकस किया जाता है और हिंदी में जो है MBBS की पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है कुलभूषण, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं अब आसान तो हो गया है अब स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या डिग्री को लेकर के अब इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी? अगर कोई हिंदी में भी पढ़ता है या फिर इंग्लिश में पढ़ता है तो ये उनकी इच्छा पर डिपेंड होगा, लेकिन डिग्री में किसी प्रकार की कोई मुश्किलों का सामना यहाँ स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा या नहीं? देखिए, डिग्री की यहाँ पे बात नहीं है कि यहाँ पे जो अभी फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, वो ये है कि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे रहते हैं जिन्हें MBBS का कोर्स करना पड़ता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाते हैं। अब जो इंग्लिश में MBBS की पढ़ाई कराई जाती है उसे हिंदी में कन्वर्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो देखने वाली बात होगी कि कब तक सरकार ये फैसला लेती है और मध्य प्रदेश में जो बच्चे हैं उनको हिंदी पाठ्यक्रम के, इसके लिए आगे चल के एग्जाम्स भी क्या हिंदी में ही करवाए जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि पाठ्यक्रम अगर हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एग्जाम लिए जाएंगे वो भी हिंदी में ही लिए जाएंगे। तो अलग से इन बच्चों का एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में जल्द ही MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी में कराई जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कुलभूषण। तो भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दरअसल बयान जारी करते हुए ये बताया है कि अब प्रदेश में MBBS के जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए खुशी की खबर है, क्योंकि MBBS की पढ़ाई अब मातृभाषा में भी होने जा रही है और मातृभाषा में अगर पढ़ाई होती है तो इससे परिणाम अच्छे होंगे। MNC के पाठ्यक्रम के आधार पर MBBS की पढ़ाई होगी, बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, यानी कि जो बच्चे अभी तक MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, तो इसको लेकर के चिकित्सा शिक्षा मंत्री की तरफ से विश्वास सारंग की तरफ से बयान दिया गया और MBBS को लेकर के कहा गया कि हिंदी में ये बयान MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में करवाई जाएगी।